हेलो दोस्त, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल UGCADA 2.0 में। और आज का सेशन हम लोग करने वाले हैं बेल्ट्रॉन के लिए पार्ट 3। जो सेशन रह गया था कल पिछले क्लास में हम लोग 30 क्वेश्चन ही किए थे, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बचे हुए सेशन को। बहुत ही मज़ा आएगा। क्लास को आप लोग अटेंड रेगुलर कीजिए। वीडियो जाता है तो देखिए किसी कारण बस डिले हो रहा है, हालांकि मैं कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको कंटिन्यू क्लास कराया जाएगा। और चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह के वीडियो देखने के लिए। और सारे क्वेश्चन जो है से प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन कराया जा रहा है, ये बात प्रैक्टिस सेट के रूप में करवाया जा रहा है। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपका है 30 नंबर आज का कि टपल क्या होता है। टपल क्या होता है? तो टपल जो है यह एक टेबल की एक रो होती है। टपल क्या है? टेबल की एक रो होती है। पिछले क्लास में मैंने एक दिखाया भी था कि टेबल की एक रो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लिक जैकिंग क्या है। क्लिक जैकिंग क्या है? मैं अलग से थ्योरी क्लास जरूर लूँगा। MS वर्ड में क्या मेनू बार होता है, टाइटल बार होता है, टास्क बार होता है, सब मैं बताऊँगा। अभी आप लोग क्वेश्चन कीजिए हमारे साथ, हो सकेगा तो आज मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगा तो कल आपको वीडियो मिलेगा। क्वेश्चन है कि क्लिक जैकिंग क्या है। क्लिक जैकिंग जो है वो आपको वेब प्रयोक्ताओं को गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए फुसलाने वाली एक दुर्भावपूर्ण तकनीक है। क्लिक जैकिंग। नेक्स्ट नंबर प्रश्न आपके सामने है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक कौन है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक जो है वो आपको आउटलुक तो होगा नहीं, तो यहाँ पर आपका सही जवाब सही है आउटलुक ऑर्गेनाइजर नहीं, आउटलुक हो जाएगा। आउटलुक ही होगा आपका निजी सूचना प्रबंधक हो जाएगा, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि HTML में बी इस तरह से रहेगा, टैग किससे में परिबंध सामग्री दर्शाते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा पृष्ठभूमि में दर्शाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है एल्टा विस्टा है एक, एल्टा विस्टा क्या है? एल्टा विस्टा जो है वो आपको सर्च इंजन है। क्या है? यह एक सर्च इंजन है। अल्टा विस्टा सर्च इंजन की स्थापना कब किया गया? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो 1995 में किया गया। कब किया गया? 1995 में किया गया। नेक्स्ट नंबर सवाल यहाँ पर है कि RDBMS का विस्तृत रूप बताइए। RDBMS का विस्तृत रूप बताइए, यानी फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, जिसका फुल फॉर्म आपका हो जाएगा रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है आपका प्रस्तुतिकरण तैयार करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कौन सा अनुप्रयोग उपयुक्त है। प्रस्तुतिकरण तैयार करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कौन सा अनुप्रयोग उपयुक्त है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट उपयुक्त है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है नेटवर्क में WEP का क्या अर्थ है। नेटवर्क में WEP का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वाइड इक्विवेलेंट प्राइवेसी है। WEP का अर्थ है वाइड इक्विवेलेंट प्राइवेसी है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है। तो कंप्यूटर के संबंध में वेटवेयर जो है मानव मस्तिष्क होता है। क्या होता है? मानव मस्तिष्क। नेक्स्ट नंबर सवाल है IT में आउटगोइंग एक्नॉलेजमेंट को अस्थायी रूप से देर से भेजने की तकनीक को क्या कहा जाता है। तो IT पूछ रहे हैं कि IT में आउटगोइंग एक्नॉलेजमेंट को अस्थायी रूप से देर से भेजने की तकनीक को क्या कहते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिगी फ्रेमिंग कहते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से समान तौर पर प्रयोग किए जाने वाले फ्लॉपी डिस्केट का साइज क्या है। तो 3.1/5 है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। सवाल यहाँ पर है POP एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है, POP का पूर्ण रूप क्या है। POP का पूर्ण रूप है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि होम पेज किसी वेबसाइट का क्या होता है। होम पेज जो है किसी वेबसाइट का पहला पेज होता है। क्वेश्चन से ही क्लियर हो जा रहा है कि होम पेज वेबसाइट का पहला पेज होगा। नेक्स्ट सवाल है MS Excel 2016 में किसी वर्कशीट के शीर्ष पर निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फार्मूला बार दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है?
फार्मूला बार कर रहा है कि एमएस एक्सेल में किसी वर्कशीट के शीर्ष पर निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है, फार्मूला बार दिखाई देता है। नेक्स्ट नंबर सवाल है, एमएस एक्सेल 2016 वर्कशीट में निरंतर सेल की एक सीरीज को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। कह रहा है कि निरंतर सेल की एक सीरीज को सिलेक्ट करना है तो किस कुंजी का उपयोग किया जाता है जिससे लगातार सिलेक्ट हो, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शिफ्ट के साथ, शिफ्ट की का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट नंबर सवाल है, एमएस वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य विकल्प व्यू ऑप्शन किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को बुलेट पॉइंट के रूप में दर्शाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आउटलाइन दर्शाता है। नेक्स्ट सवाल है कि क्रोम ब्राउजर में दाईं ओर प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा कंट्रोल के साथ टैब दबाया जाता है, कंट्रोल के साथ टैब का उपयोग किया जाता है। क्रोम ब्राउजर में दाईं ओर प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, कंट्रोल टैब का। नेक्स्ट नंबर सवाल है, बताएं कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, कि एमएस वर्ड 2016 में सभी पैराग्राफ में राइट अलाइनमेंट हो सकता है, यानी यह क्वेश्चन सही है। जो कह रहा है कि एमएस वर्ड 2016 में सभी पैराग्राफ में राइट अलाइनमेंट हो सकता है, तो ये आपका सही है। नेक्स्ट है कि एमएस वर्ड 2016 में सभी पैराग्राफ में एक ही हैंगिंग पोजीशन नहीं हो सकती है, गलत है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि एमएस वर्ड 2016 में टेबल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कह रहा है कि एमएस वर्ड 2016 टेबल के बारे में निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सा कथन गलत है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि एक टेबल के पहले और अंतिम सेल को मर्ज किया जा सकता है, ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट सवाल है, एमएस वर्ड के हाल के संस्करणों में जैसे कि वर्ड 2016 में होम मेनू के तहत क्लिपबोर्ड कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से क्या दिखाई नहीं देता है। कह रहा है कि जैसा कि वर्ड 2016 में होम मेनू के तहत क्लिपबोर्ड कमांड में जो समूह है उसमें चार गो चीज़ रहता है, तो उसमें क्या दिखाई नहीं देता, फॉर्मेट प्रिंटर, कट, पेस्ट, शो हाइट, तो यहाँ पर सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शो हाइट नहीं रहेगा। आप लोग देखिएगा खोलकर, आपके पास लैपटॉप होगा तो। नेक्स्ट सवाल है दोस्त, कि निम्नलिखित एमएस एक्सेल 2016 फार्मूला का परिमाण क्या होगा। देखिए इस तरह से आपको दिया हुआ है, तो कह रहा है कि फार्मूला का परिमाण क्या होगा, तो सही जवाब इसका हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा फंक्शन के लिए आपका 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये फार्मूला आप लोग लगा के देखिएगा तो 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, क्रोम ब्राउजर में इनकॉग्निटो प्राइवेट मोड में एक नई विंडो खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल शिफ्ट एन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि जब आप एमएस वर्ड के नए संस्करण में जैसे वर्ड 2016 में एक नई फाइल खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट पेज मार्जिन के रूप में सेट होता है, ठीक है ना। कह रहा है कि जब आप एमएस वर्ड के एक नए संस्करण 2016 को आप ओपन करते हैं तो एक डिफ़ॉल्ट पेज मार्जिन के रूप में क्या नॉर्मल के रूप में सेट होता है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका सही ऑप्शन नंबर डी, नॉर्मल के सेट। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ में आप लाइक करते चलिएगा, दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके शेयर और लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट सवाल है कि एमएस एक्सेल 2016 में वर्कशीट के एकदम दाहिने स्थान पर निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है। कह रहा है कि एमएस वर्कशीट के एकदम दाहिने स्थान पर निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है, तो दाहिने स्थान पर क्या दिखाई देगा, वर्टिकल स्क्रॉल बार रहता है। नेक्स्ट सवाल है कि सेल बी4 में एक फार्मूला इस तरह के लिखा हुआ आपको मिलेगा, यदि सेल बी4 को कॉपी करके F10 में पेस्ट किया जाता है तो सेल F10 का फार्मूला क्या होगा, इसे आप लोग रट्टा मार लीजिए, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, $D, $3+$C, $5 होगा। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित एमएस एक्सेल फार्मूला का परिमाण क्या होगा, परिणाम क्या होगा, इस तरह से आपको दिया हुआ रहेगा फैक्ट का फार्मूला लगाने के लिए लगाया हुआ है, तो सही इसका आंसर हो जाएगा आपका 1, क्या हो जाएगा 1, इसे भी आप लोग रट्टा मार लीजिए, 1 हो जाएगा।
सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, बताएं कि एमएस वर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्य है, दोनों सत्य है, चूँकि एक डॉक्यूमेंट फाइल में बुलेटेड और नंबर्ड दोनों लिस्ट होते हैं, हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज मार्जिन को कस्टमाइज किया जा सकता, सही है, दोनों सही किया जा सकता है। नेक्स्ट सवाल है कि POP3 एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है, POP3 में संख्यात्मक मान 3 क्या दर्शाता। कल के सवाल में भी शायद परसों के सवाल में भी मिला होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, POP का संस्करण। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब सर्च इंजन नहीं है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सफारी जो है सो वेब सर्च इंजन नहीं है। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट यानी एमएस वर्ड में एक खुली फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल एस के समान है। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, VBI आप लोग लगा लीजिए इसको। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिफ्ट के साथ 12। नेक्स्ट, एमएस वर्ड के हाल के संस्करण जैसे एमएस वर्ड 16 में होम मेनू के तहत पैराग्राफ कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा दिखाई नहीं देता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेंज केस नहीं दिखाई देता है। तो दोस्तों आज का क्लास इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग लाइक जो है से करने में कंजूसी ना करें, लाइक ज़रूर कर दिया करें। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, तैयारी।